Center, Punjab University, esteemed Director Colleges, Higher Education Department, UT of J&K, fostering gender equality and enhancing the options. This process involves providing to decision makers in the field of academia. On every occasion, we are having the cultural activity of ISBANS. Respected patron of the workshop, Professor Yasmin Nashai, Director Colleges, Department of Higher Education, UT of J&K, Professor Parveen Pandit, former principal, host college, and former controller of examination, Central University of Kashmir, faculty member, and my dear students, Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. She is the national executive member and the state language from DNDU after doing her post-graduation from Kashmir University. Then she has been awarded several awards. She has also given a number of talks on Sufi to this institution, and I am sure that the presence of Madam within. I very warmly welcome Professor Neelofer Khan, the first woman Vice Chancellor of the UT of J&K Colleges. Since 2022, the university organization, and that was a great success for women and much more. Well, the best award for her today is that her student, Professor Neelofer Khan, is sitting next to her. Women who are on the stage have been mentored by her. So this is her biggest achievement. Madam, all my colleagues, principals who have raised this occasion, I also welcome my colleagues from the University of Kashmir, Dr. Roshni is woman friendly. However, gender inequalities in higher education still exist. It is reported that women's sustainable gender change in the higher education. ऐसे programs बहुत किए हैं. आज का तो ये दो दिन का है, हमने पाँच दिन के भी ये वर्कशॉप्स किए हैं, जम्मू में किए हैं, कश्मीर में किए हैं, जिसमें ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेंट्स आते थे, वो पार्टिसिपेट करते थे. 50 to 55 वुमेन का हम करते थे, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से रिसोर्स पर्सन्स आते थे, वो मॉड्यूल्स को ट्रांजिट करते थे. तो ये आपने देखा होगा कि थीम है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ वुमेन मैनेजर्स इन हायर एजुकेशन. मुझे बहुत खुशी है कि मैंने खुद ये प्रोग्राम इनिशियली अटेंड किए हैं, कुरुक्षेत्र में अटेंड किया है, चंडीगढ़ में अटेंड किया है, दिल्ली में अटेंड किया है. एंड इट हेल्प्स टू डेवलप योर लीडरशिप क्वालिटीज़. हम वही चाहते हैं कि अगर हम में डेवलप हुई, जो हमारा यूथ है आगे हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं डिग्री कॉलेजेस के, फीमेल्स हैं, हम उनको ये जो है ट्रेनिंग दे दें ये दो दिन की, ताकि वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं,
और सिस्टम में जो कहीं पे कोई लैकुने हैं, कोई लूप होल है, उसको प्लग करें. इट हेल्प्स. उसका भी ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमको जो सिलेबसेस हैं वो चेंज करने हैं, हमको एज पर आर न्यू डायरेक्शंस चलना है. न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहीं पे सिर्फ इंग्लिश में नहीं हुआ है, हर जगह सिलेबसेस चेंज हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी हो रहे होंगे. हमको अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसके मुताबिक, चाहे कॉलेजेस हो, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, वी हैव टू फॉलो दैट रोड मैप एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर आर स्टूडेंट्स, ट्रेन आर स्टूडेंट्स, वेदर इट्स रिसर्च और पीजी और एनी इंजीनियरिंग कुछ भी हो, अकॉर्डिंगली वी हैव टू मूव. हम कॉलेज ऑफ एजुकेशन में हैं, यहाँ वीमेंस एम्पावरमेंट और एजुकेशन जो सेक्टर में वीमेंस काम कर रही है, किस तरह से हमारे सरकार ने वीमेंस एम्पावरमेंट का जो नारा दिया था वो सिर्फ नारा नहीं था, आज आप देख रहे हैं कि मुल्क की 50 यूनिवर्सिटियों में से जो बड़ी सी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें 17 VCs जो हैं वो वीमेंस हैं. आप हर एक सेक्टर में देखिए, जो हमारा एम्स है आज वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाली एक खातून है. आप इंजीनियरिंग देख लिए, वहाँ एक खातून है. आप यहाँ भी जहाँ भी देखते हैं जिसमें काबिलियत है, वो मर्द या औरत जो पहले देखा जाता था कि मर्दों को तरजीह दी जाती थी, लेकिन हमें हमारे गवर्नमेंट ने जैसे इस चीज़ को बाज़ाबता तौर पे और दुनिया दुनिया को भी दिखाया कि हिंदुस्तान में औरतें किसी चीज़ से कम नहीं है, किसी से कम नहीं. आज जहाँ पे हम हैं, इस कॉलेज का हेड भी एक विमेन कर रही है, प्रोफेसर डॉक्टर सीमा नाज साहिबा, हमारी यूनिवर्सिटी को डॉक्टर नीलोफर खान साहिबा, हमारी हायर एजुकेशन की डायरेक्टर अशाई साहिबा डॉक्टर साहब, और हर एक अभी आप देख रहे हैं जिनमें काबिलियत है वो आगे बढ़ रही है. और हर जगह हम देख रहे हैं कि आज कोई भी एजुकेशन फैकल्टी देख लीजिए, कोई भी एग्ज़ामिनेशन देख लीजिए, यूपीएससी का देख लीजिए, या आप कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को देख लीजिए, वहाँ पे गर्ल्स टॉप कर रही है. ये सिर्फ एजुकेशन जो पॉलिसी हमारी है और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें यही है कि गर्ल पावर को आगे बढ़ाना है.